नमस्कार दोस्तों, बीते 16 मई को खबर आई कि 1994 में हुए रवांडन जिनोसाइड के मुख्य आरोपी फेलिसियन काबुगा को फ्रांस में अरेस्ट किया गया है। फेलिसियन काबुगा पिछले 26 सालों से फरार थे। साउथ अफ्रीकन कंट्री रवांडा के अमीर लोगों में से एक फेलिसियन काबुगा ने वहाँ के कुख्यात रेडियो चैनल RTLM को फंडिंग दी। इस रेडियो चैनल ने जेनोसाइड से पहले और उसके दौरान वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी तुत्सी के खिलाफ एक कमांड जारी किया था, किल द कॉकरोचेज। रेडियो ने प्रोपेगेंडा फैलाया, नफरत का माहौल तैयार किया था। फेलिसियन काबुगा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने उस समय इस जेनोसाइड के लिए उपयोग किए गए एक चाकूनुमा हथियार मसेटी का लाखों की संख्या में आयात करवाया था। उन्होंने इस जेनोसाइड में बहुत बड़ी फंडिंग की थी। रवांडा कहाँ है, वहाँ जेनोसाइड क्यों हुआ, किन का हुआ, और सबसे बड़ी बात, इतिहास की इस दुखद घटना से आज के समय हम क्या सीख ले सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। अफ्रीकन कंटिनेंट का एक बहुत ही छोटा देश है रवांडा। यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसकी सीमाएं इन चार देशों से लगी है, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ की 84% पॉपुलेशन हुतू समुदाय से आती है और 15% पॉपुलेशन तुत्सी और 1% तवा कम्युनिटी से। मतलब हुतू कम्युनिटी मेजॉरिटी में है और तुत्सी और तवा कम्युनिटी माइनॉरिटी में। 6 अप्रैल 1994 की रात वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति जुवेनल हावियारिमाना और पड़ोसी देश बुरुंडी के राष्ट्रपति कैपरियल नतायारिमारा को ले जा रहे विमान को किगाली रवांडा में मार गिराया गया, जिससे इसमें सभी सवार लोग मारे गए। किसने विमान गिराया, इसका फैसला आज तक नहीं हो पाया। चूंकि ये दोनों ही नेता हुतू जनजाति से थे, इसीलिए बहुसंख्यक हुतू कम्युनिटी ने आरोप लगाया कि तुत्सी कम्युनिटी द्वारा समर्थित एक जो वहाँ के रिवल ग्रुप है RPF, रवांडा पेट्रियटिक फ्रंट, वो इसके दोषी हैं, उन्होंने ऐसा कहा। इसके तुरंत बाद हत्याओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि माइनॉरिटी तुत्सी कम्युनिटी के रिवल ग्रुप RPF का यह कहना था कि हुतू कम्युनिटी के लोगों ने अपने ही प्रेसिडेंट की हत्या करवा दी ताकि उन्हें माइनॉरिटी तुत्सी कम्युनिटी का नरसंहार करने का मौका मिल सके। कारण जो भी हो, मगर इस घटना के बाद वहाँ पर एक विभत्स नरसंहार का दौर चला। इस नरसंहार के लिए माहौल पहले से ही बनाया जा रहा था और इसकी तैयारी भी पूरी थी। हुतू चरमपंथियों ने एक रेडियो चैनल शुरू किया जिसका नाम था RTLM और एक अखबार शुरू किया जिससे आम हुतू जनजातियों में तुत्सी समुदाय के प्रति नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाया गया। उस वक्त रवांडा की जो सरकार थी वह हुतू कम्युनिटी को ही सपोर्ट करती थी और हुतू कम्युनिटी के लोगों का ही उसमें प्रतिनिधित्व था। मगर उस सरकार की आलोचना करने वाले किसी भी वर्ग के लोग, चाहे वो हुतू कम्युनिटी के हों, उसकी एक लिस्ट तैयार की गई थी। साथ ही साथ तुत्सी कम्युनिटी के लोगों की भी लिस्ट तैयार की गई। उन लोगों के नाम रेडियो पर बोले गए और उन्हें चुन चुन कर मारा गया। हुतू समुदाय के लोगों ने अपने पड़ोसी तुत्सी समुदाय के लोगों को मार डाला, बच्चे और महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि कुछ हुतू युवकों ने अपनी तुत्सी पत्नियों का सिर्फ इसीलिए मर्डर कर दिया क्योंकि उन्हें अगर वो नहीं मारते तो उनको, यानी हुतू कम्युनिटी के युवकों को मार दिया जाता। उस समय हर व्यक्ति के पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता था, जिस आइडेंटिटी कार्ड में उसकी कम्युनिटी का जिक्र होता था कि वह हुतू से हैं, तुत्सी से हैं या किसी अन्य कम्युनिटी से हैं। इसका उपयोग वहाँ की रवांडा की हुतू कम्युनिटी के लड़ाकों ने किया, सड़कों पर बैरिकेडिंग की और चुन चुन कर तुत्सी कम्युनिटी के लोगों की धारदार हथियारों से हत्या कर दी, वहाँ की औरतों का अपहरण किया,
उनका बलात्कार किया, उन्हें सेक्स स्लेव की तरह बनाकर रखा गया। यहाँ तक कि पादरी और ननों का नाम भी उन लोगों की हत्याओं में आया जो चर्च में शरण मांगने गए थे। यह विभत्स नरसंहार 100 दिनों तक चला, जिसमें लगभग 800,000 तुत्सी और लिबरल हुतू मारे गए। हाल के इतिहास में नाजियों के द्वारा किए गए होलोकास्ट के बाद यह एक दूसरा बड़ा नरसंहार था। पड़ोसी देश युगांडा समर्थित तुत्सी समुदाय के रिवेल ग्रुप RPF के द्वारा अधिक से अधिक इलाकों पर कब्जा किया गया। 4 जुलाई 1994 को RPF रवांडा की राजधानी किगाली घुस आई। चूँकि RPF तुत्सियों का एक रिवेल ग्रुप था, तो उनके काबिज होने के बाद वहां से लगभग 20 लाख हुतू इस डर से पलायन कर गए कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। हालांकि बाद में इस रिवेल ग्रुप ने बहुत सारे हुतुओं की हत्या भी की। आसपास के देशों में भागे हुतू कम्युनिटी के लोगों ने छोटे छोटे रिवेल ग्रुप बनाए, लड़ाकों का ग्रुप बनाया। खनिज संपदा से भरपूर इलाकों पर कब्जा के लिए आपस में लड़ाई शुरू हुई। आप कह सकते हैं कि अफ्रीका के उस रीजन में लंबे समय तक सिविल वार की स्थिति बनी रही और इसमें लगभग 50 लाख लोग मारे गए। 2003 तक यह मामला चलता रहा, उस पर बाद में किसी तरह से कंट्रोल किया गया। जब रवांडा में जेनोसाइड चल रहा था, उस समय USA और यूरोपियन यूनियन के सेनाएं रवांडा में मौजूद थी, मगर उन लोगों ने तटस्थ रहने का निर्णय किया। वो लोग अगर कोशिश करते तो बहुत सारी जानें बच सकती थी। फ्रांस ने अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए एक विशेष सैन्य दस्ता भेजा, मगर उसने भी वहाँ नरसंहार रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। कुल मिलाकर यूरोपियन यूनियन, USA, UN इत्यादि ने रवांडा में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ये वो देश हैं जो मानवाधिकार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेक्चर देते हैं। बाद में अमेरिका ने, UN ने और अन्य भी देशों ने माफ़ी मांगी। पोप फ्रांसिस ने रवांडा में हुए नरसंहार में वहाँ के चर्च के शामिल होने के कारण अफसोस जताया और माफ़ी मांगी। 1884 में जर्मनी ने रवांडा को कॉलोनाइज किया। वर्ल्ड वार I के दौरान 1916 में बेल्जियम ने वहाँ अपना अधिकार जमाया। दोनों ही सरकारों ने, जर्मन और बेल्जियम ने, वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी से संबंध रखने वाले राजाओं के समर्थन से सरकार चलाई। जाहिर है तुत्सी कम्युनिटी के राजा थे तो प्रो तुत्सी पॉलिसी थी। वहाँ के हुतू जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के थे उनका जमकर उस वक्त शोषण हुआ। 1959 में यह असंतोष भड़क उठा और वहाँ के राजा को सत्ता से उखाड़ फेंका गया। 1962 में रवांडा आज़ाद हुआ तो वहाँ मेजॉरिटी हुतू कम्युनिटी ने अपनी सरकार स्थापित की, लेकिन इसके बाद हुतू कम्युनिटी ने बदले की भावना से काम शुरू किया। तुत्सी कम्युनिटी के लोगों की हत्याओं का दौर शुरू हो गया। नतीजा तुत्सी कम्युनिटी के लोग आसपास के देशों में शरण मांगने के लिए चले गए, जिसमें से रवांडा के पड़ोसी देश युगांडा का नाम प्रमुख है। युगांडा में तुत्सी कम्युनिटी की जो अगली जनरेशन आई वह वहाँ पर आर्मी से ट्रेनिंग लेती थी और रिवेल ग्रुप का फॉर्म किया, जिसका नाम था RPF। युगांडा सरकार के समर्थन से तुत्सी रिवेल ग्रुप RPF को ट्रेनिंग दी गई, उन्हें हथियार प्रोवाइड किए गए। आसपास के देशों में जो तुत्सी और हुतू कम्युनिटी के लोग गए थे वहाँ भी आपस में छिटपुट लड़ाई और मारकाट की घटनाएं होती रही। बगल के देश बुरुंडी में लगभग 75,000 हुतू स्कॉलर की हत्या कर दी गई। तुत्सी समुदाय के भी लोगों की हत्याएं हुई। इससे आपस के दोनों कम्युनिटी के बीच की जो असंतोष की भावना थी वह और भी ज़्यादा भड़क गई और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रवांडा में पड़ा। वहाँ की मेजॉरिटी हुतू को यह लगने लगा कि अगर तुत्सी वापस रवांडा आते हैं तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वहाँ के रेडियो चैनल और पत्र
ने यह वहाँ के लोगों को बताया कि वापस तुत्सी के आने से वह इतिहास के उस दौर में वापस चले जाएंगे जहाँ हुतुज का शोषण हुआ था। 1990 में तुत्सी रिफ्यूजी के द्वारा बनाए गए संगठन RPF ने युगांडा की मदद से रवांडा पर हमला किया। 1990 से 93 तक युद्ध भी चला और सीज फायर हुआ। रवांडा की सरकार ने इस बात पर सहमति जताई कि तुत्सी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, मगर इस बीच ही रवांडा के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई। उसके बाद की कहानी मैंने आपको बताई है। इन सभी घटनाओं में USA का रोल बड़ा ही संदेहास्पद था। वह युगांडा को फिनेंशियल एड देता था, मगर युगांडा उस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका से ही हथियार खरीदने में करता था, इससे रिबेल ग्रुप RPF को वह मदद करता था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIO को सब कुछ मालूम था। आने वाली घटनाओं का उन्हें अंदाज़ा बिल्कुल ठीक ठीक था, मगर उन्होंने इसे रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया। यह सच है कि माइनॉरिटी तुत्सी कम्युनिटी ने मेजॉरिटी हुत्सु कम्युनिटी का शोषण किया, मगर वह कॉलोनाइजेशन का पीरियड था। जब हुतु कम्युनिटी सरकार में आए तो उन्होंने फिर बदले की भावना से काम किया। पहले तुत्सी ने शोषण किया, फिर हुतु ने बदले की भावना से काम किया, फिर तुत्सी ने रिबेल ग्रुप बनाकर अटैक किया। इस तरह से वहाँ पर यह वार एस्केलेट होता रहा और नतीजा वहाँ इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ। बदले की भावना से विनाश हो सकता है, विकास नहीं। इस बात से हम लोग सीख तो सकते ही हैं। हमारे यहाँ भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच एक दूसरों के प्रति कुछ न कुछ शिकायत, कुछ न कुछ द्वेष, गिला शिकवा इत्यादि है ही, मगर उसको एस्केलेट करने के बजाय उसे ठंडा करने की ज़रूरत है। मगर एक प्रोपेगेंडा का जो माहौल चल रहा है, एक जो राजनीति चल रही है, उसमें थोड़े से सावधानी की ज़रूरत तो ज़रूर है। रवांडा में रेडियो और वहाँ के न्यूज़पेपर ने भी एक अहम रोल निभाया। उन्होंने लोगों के दिमाग में जहर डाला और लोगों को उकसाया। नतीजा वहाँ के आम लोग हत्यारे बन बैठे। क्या आपको ऐसा होते अपने देश में नहीं लग रहा है? यहाँ पर जो न्यूज़ चैनल्स हैं किस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, किस तरह से नफरत का बीज बो रहे हैं, क्या इसका परिणाम भविष्य में अच्छा होगा? इस तरह की घटनाएँ हमारे आँख को खोलती है। इतिहास को एक बार ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना कहीं भी ना हो। आपसी मतभेद को बातचीत के द्वारा ज़रूर सुलझाया जा सकता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा लगता है कि ये यूरोपियन देश या अमेरिका, ये लोग चाहते हैं कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट बनी रहे ताकि उनके हथियारों की बिक्री होती रहे। आर्म्स बिजनेस का एक बड़ा नेक्सस दुनिया में काम कर रहा है। अभी रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कागमे हैं, जो एक वक्त तुत्सी रिबेल ग्रुप RPF के कमांडर भी रह चुके हैं। उन्होंने रवांडा को विकास का रास्ता दिखाया है, मगर उन पर अपने विपक्ष को दबाने का आरोप लगता रहता है, डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने का आरोप लगता रहता है। पिछली घटनाओं से सबक लेकर रवांडा ने सभी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देने का काम भी किया है। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।